आज है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे और हमारे साथ है और है. actors, हैं एडवोकेट आशीष जो कि इंटेलेक्चुअल नागपुर ट्रेंड्स वेलकम सर थैंक यू सो मच मैम सर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है तो सबसे पहले वाई इज इट ऑब्जर्व वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इजली ऑब्जर्व किया जाता है uh, क्योंकि ट्रेडमार्क पेटेंट्स कॉपीराइट्स और डिजाइन रजिस्ट्रेशन का अवेयरनेस नहीं था इन द ईयर 2000 okay. तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको वाइपो भी कहा जाता है हुँ. उन्होंने ऐसा सोचा कि एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे डिक्लेयर किया जाए जिस दिन पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अवेयरनेस बढ़ाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रेडमार्क पेटेंट्स कॉपीराइट्स और डिजाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं okay. तो उसका अवेयरनेस नहीं था उस ईयर में तो उनको ऐसा फील हुआ कि इसको हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वो डे को डिक्लेअर करते हैं इट्स 2023 और हम आज इस इंटरव्यू के थ्रू आपके लिए थोड़े अवेयरनेस क्रिएट करेंगे सो सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या जैसे आपने कहा ट्रेड मार्क कॉपीराइट ये सब इसके अंदर कवर होता है थोड़ा अगर हम इसको इलैबोरेट कर पाए एनीथिंग ऐसी कोई भी चीज जो ह्यूमन माइंड से क्रिएट की जाए हुँ. उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है जिसमें कोई नाम भी सोचा जा सकता है हुँ. जैसा ब्रांड नेम कोई लोगो भी बनाया जा सकता है जैसा डिजाइन लोगो का डिज़ाइन बनता है उसके अलावा कोई सॉन्ग कोई लिरिक्स ये सारी चीजें ह्यूमन माइंड से क्रिएटेड है तो इसलिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं और ट्रेडमार्क क्या है, है? ट्रेडमार्क यानी अगर हम ब्रांड नेम और लोगों की बात करें तो उसका ट्रेडमार्क किया जा सकता है अगर हम कोई सॉन्ग की लिरिक्स की या कोई फिल्म की बात करें तो उसको कॉपीराइट किया जा सकता है अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात करें तो उसको पेटेंट किया जा सकता है और अगर हम बॉटल की डिजाइन की बात करें या बॉक्स के डिजाइन की बात करें तो उसको डिजाइन रजिस्ट्रेशन में डाला जा सकता है जनरली लोग बोलते हैं कि चलो ये लोगों को पेटेंट करा लेते हैं तो पेटेंट नहीं होता है वो ट्रेडमार्क होता है अब लोगों को डिफरेंस नहीं पता है पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या सिर्फ पेटेंट माना जाता था लेकिन ये सब डिफरेंसिएशन है उसके सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो अभी नए स्टार्टअप कर रहे हैं अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स काम आएगा स्टार्टअप्स के लिए तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का बिकॉज वो जब नाम सोचते हैं तो बिना ट्रेडमार्क सर्च किए वो नाम रख देते हैं बाद में कुछ सालों बाद उनको नाम बदलना पड़ता है या वो कोई लिटिगेशन में आ जाते हैं तो स्टार्टअप्स को हम यही बोलेंगे कि कोई भी नाम आप सोचो तो सबसे पहले उसका ट्रेडमार्क सर्च करवाया जाए और सर्च होने के बाद में अगर वो अवेलेबल है तो पहले उसको प्रोटेक्ट किया जाए एंड उसके बाद अपना जो भी काम है वो शुरू किया जाए ऑल्सो स्टार्टअप्स जो है आजकल एप्स बनाते हैं एप्स जो है उसका यूआई यानी उसका यूजर इंटरफेस और उसका सोर्स कोड ये सब चीजें भी हम कॉपी में प्रोटेक्ट कर सकते हैं सो स्टार्टअप को अगर मैंने मैंने बिजनेस बिजनेस स्टार्ट किया मेरे का कुछ नाम मैंने सोचा है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है क्या प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है नाम का तो सबसे पहले सर्च होगा सर्च में अगर अवेलेबल रहेगा तो उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक थोड़ा है इट टेक्स अराउंड इलेवन टू टी फोर मंथ फॉर गेटिंग सबसे पहले उसका एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन के बाद उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता है जिसमें डिपार्टमेंट एग्जामिन करता है कि ये इनको दिया जाए या ना दिया जाए और इस हिसाब से बाद में एडवर्टीज होता है जर्नल में एंड देन इट गेट्स रजिस्टर्ड टोटल प्रोसेस इज ऑफ अराउंड इलेवन टू ट्वेंटी आपको अपने हाथ में लेके चलना है इज वी कैन कैन से नो यू स्टार्ट अ प्रोसेस यू कैन स्टार्ट द ट्रेडमार्क प्रोसेस सबसे मेन चीज है सर्च अगर सर्च में वो अवेलेबल है hmm. तो देन यू विल गेट इट यस तो सबसे पहले सर्च ही करना होता है सर्च में अगर अवेलेबल होता है तो उसका आगे प्रोसेस किया जा सकता है एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क यू डोंट हैव टू वेट फॉर 24 मंथ्स टू गेट द वर्क स्टार्टेड एंड जो ये स्टार्टअप्स है सर इनको बेनिफिट्स क्या कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट हां स्टार्टअप जो डीआईपीपी में रजिस्टर्ड है एज अ स्टार्टअप एंड एम एस एम ई जो एम एस एम ई कंपनीज़ हैं उन लोगों के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टार्टअप्स को सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे करनी होती है उसके अलावा जो प्रोफेशनल फीस है लॉयर की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है हुँ. वो गवर्नमेंट की स्कीम आई यू है स्टार्टअप एंड दे है इंडिया एंड वी आर ऑल्सो दे कैन

तो उसको किस तरीके से पेटेंट या ट्रेडमार्क किया जाएगा या मुझे कैसे समझेगा कि वो किस चीज के अंदर है अगर आपके पास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आइडिया है हुँ. तो उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं okay. या अगर आपके पास में कोई प्रोसेस है हुँ. तो उसको भी आप पेटेंट करा सकते हैं ओके okay. यस बाकी अगर आपके पास में कोई ऐप का आईडिया है हुँ. तो उसको आप कोई कॉपीराइट या पेटेंट नहीं करा सकते इन इंडिया हाउएवर इन यूएस यू कैन डू इट यस चलिए सर

सो so, बुक आप एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए और कॉपीराइट डिपार्टमेंट में अप्लाई कर दीजिए द गवर्नमेंट फीस इज जस्ट फाइव हंड्रेड रुपीज एंड यू गेट दी कॉपी राइट ऑफ बुक इन से अराउंड वन पॉइंट फाइव फोर्टी फाइव डेज एंड अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो तो है सर हम, आपने हमें दे दी एंड थैंक यू सो मच फॉर इट लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कॉपीराइट में एक वर्ड है कॉपी जिसके लिए yes. बहुत ज्यादा सब वरीड होते हैं सो इन केस इफ कॉपीिंग योर नेम योर आइडिया हाउ आर द एक्शंस टेकन किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं इफ समवन कॉपीिंग योर नेम दैट कम्स अंडर ट्रेडमार्क

एक्शन होते हैं या yes. से में हम differentiate? As you can see कि Paytm और पेपाल इन दोनों का भी एक लिटिगेशन आया था आज से तीन चार साल पहले उसमें पेटीएम और पेपाल इन दोनों का लोगो सिमिलर माना गया था सो देन पेटीएम मेड अ फ्यू चेंजेस इन देयर लोगोस एंड अभी भी वो लिटिगेशन तो चल रहे ब्लिंकेट वर्सेज ब्लिंक हिट Blanket is a very big company. Now Blinkit is also a company that is based in Bangalore, and उन्हें ऐसा feel हुआ कि Blinkit is a copy of Blinkit, so वो भी एक litigation चालू है. Okay. उसके अलावा Chaios versus Chaios, so Chaios किसी ने start कर लिया, hmm. तो Chaios ने उनको stop करने के लिए cease desist notice और उनके ऊपर में case किया. Okay. थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर एक्सपर्टीज इन नागपुर ट्रेंड एंड आई होप की आप लोगों को इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड आप अपने इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट कर पाएंगे थैंक यूं